बगड़ कतराया अंतर्गत ग्राम नड़का में दलित समाज के लोगों के द्वारा दीपावली के दूसरे दिन पटाखे जलाने पर मेव समाज के लोगों ने लाठियों से हमला करके एक युवक रोहित पुत्र कालूराम को घायल कर दिया और जिस पर युवक के घर वाले जब बचाने के लिए गए तो उनको भी चोटें आई। इस मामले पर बागड़ थाना के मामला दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में कुल 6 आरोपी हैं जिनमें से अभी तक मात्र एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कल दिनांक 13 नवंबर की रात को लगभग 12 बजे राजकीय चिकित्सालय अलवर में एम्बुलेंस के द्वारा पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्र संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि वो इस मामले में तमाम आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर पीड़ित को न्याय देने का काम करे, अन्यथा ब्रजभूमि कल्याण परिषद और अन्य हिंदू संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज दिनांक 14 नवंबर को भी प्रातः 10 बजे पुनः हिंदू संगठनों के लोग अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार का संज्ञान लिया और मीडिया से बात की। इस मौके पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि रामगढ़ क्षेत्र में एक समुदाय के लोगों ने आतंक मचा रखा है और वो दलित समुदाय के लोगों के साथ अभद्रता और उत्पीड़न की कार्यवाही करते हैं। इससे पूर्व भी रामगढ़ क्षेत्र में नाहरधला गांव में मेव समुदाय के लोगों ने दलित समुदाय के लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। जी, क्या घटना हुई है? दीपावली से दूसरे दिन बगड़ थाना अंतर्गत 3 किलोमीटर दूर है नाड़का गांव, वहां पर जो है 10-12 दलित समुदाय के घर है। ये बच्चा जो है पटाखे चला रहे थे और पटाखे चला के जब ये वापस जो है गए तो मेव समुदाय के लोगों ने इस पे लाठियों से हमला किया, इसका सिर फोड़ दिया और कंधे में चोट है और जो है 6 लोग नामजद हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और जो है ये राजीव गांधी अस्पताल अलवर में भर्ती है। तो हम रात को 11:30 बजे भी और ब्रजभूमि की टीम पहुंची थी, यहाँ पे संज्ञान लिया था मैटर को और अब पुणे आए हैं और ये इस तरह की तालिबानी सोच जो है तालिबानी प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो भी इसमें जो है दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित को न्याय दिया जाए।